और वही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री श्री रविशंकर ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। श्री श्री रविशंकर ने यह दावा किया है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। श्री के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकती। दुनिया भर के सभी देशों में सभी धर्मों को राजा का राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पे पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो एक जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूंगा। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि राम राज्य का विचार ही लोकतंत्र है। राम राज्य में सबको सम्मान अधिकार, आजकल पूरा देश राममय हो चुका है। मैं धन्य हो गया, आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासी त्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चरम।